नहीं मतलब कहां से इतना बुद्धि लाए हो तुम? हमको समझ में नहीं आ रहा है. हमारा मन कर रहा है हमारे कोहनी से ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का संगम करा के 375 टुकड़े कर दे तुम्हारे हड्डी के. डू इट ना. मतलब हमको बिल्कुल हूबहू वैसा देखना है जैसा वहां पे हुआ था. हमको अच्छे से बताओ. 3 दिन बाद तुम एग्जाम दोगी और ये मेरा प्रॉमिस है. कहीं करिश्मा मैडम को पता चल गया ना कि सपना संतु जी के पास है तो मैडम तो हमारा बैंड बजा देंगी. एक काम करते हैं, रुको रुको रुको, ये समझो ये लॉज है. और मीरा तुम हो सपना, ठीक है? नो, आई एम मीरा. नहीं, तुम मीरा नहीं हो, तुम टोपा. एरर 07, आई एम मीरा. कभी टोपा कभी सपना, कंफ्यूज्ड ह्यूमंस. देखो ऐसा है, हमारे दिमाग का पारा जो है ना वो 7वें आसमान पे है. तुम थोड़ा और हमारा दिमाग का बत्ती खराब करोगी ना तो वो पहुंच जाएगा 8वें आसमान पे और फिर हम तुमको खोल खाल के कबाड़ में बेच देंगे. अभी के लिए तुम मान लो कि तुम सपना हो. मैडम वन सेक, मीरा जी जस्ट अज्यूम. ओके बिलू जी. थैंक यू मीरा जी. अजब मैडम. तुम इधर आओ बिल्ले, तुम इधर आओ. बिल्ला चीता है. मैडम क्या दिन दहाड़े आप भैंसा को चीता बना दी. मैडम ये पॉइंट से भटका रहा है. अरे ये खुद बकरी से डर के भागता है, नाम चीता रखा है और हमें ज्ञान दे रहा है. शांत 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 हो जाइए, सब शांत हो जाइए. अभी सपना तुम वहां जाओ, चीते तुम यहाँ आओ. हाँ हाँ मैडम. हाँ अभी ये लॉज है, अभी समझाओ कि कैसे गए, क्या हुआ, सब कुछ बताओ. ठीक है मैडम. तो मतलब जैसे ही हम लोग उस लॉज में दाखिल हुए, कमरा के सामने गए, लॉक लगा हुआ था, हम लोग उसको खोल कर अंदर गए. लॉक था तो खुला कैसे? पिन से. पिन से. चोर चोर है क्या तुम्हारी तरह की पिन से खोलेंगे? हम चीता चतुर्वेदी हैं, लात मार के खोले. लात. हाँ अंदर गए तो हम दोनों लोग को देख कर ना वो जो लड़की है बिल्कुल सहम गई. How cute. आप तुम पॉइंट से नहीं भटक रहे हो. How cute. डर गई वो लड़की मैडम और भागने के लिए ना खिड़की की तरफ मुड़ गई. लेकिन हम भी कर्मठ पुलिस वाला की तरह डाइव मार कर उसका पैर पकड़ लिए. सेम ऐसे ही उस लड़की का लात हम पकड़ लिए थे मैडम. लेकिन उसके बाद जो हुआ ना हम बता नहीं सकते मैडम. दिमाग मत खराब करो हमारा, जल्दी बताओ हमको. उसके बाद से वो लड़की बहुत जोर का लात मारी हमको. कितनी जोर से? बहुत जोर का मैडम. ओके नहीं नहीं. बस इतना ही कुछ हुआ था, समझ गए मैडम आप? नहीं वही, हम धन्य हो जाएंगे ना जिस दिन हम तुम्हारा बात समझ जाएंगे ना. ठीक है एक मिनट, तुमको लात मारी तो दूसरी लात तो खाली थी, दूसरी लात और संतु भी तो थी वहां पे, तो उसने काहे नहीं पकड़ी? करिश्मा मैडम को जल्दी से कोई बहाना देना होगा, नहीं तो वो हमसे सच उगलवा लेंगे कि संतु जी ने सपना को अपने घर पे रखा हुआ है. मैडम जब हमको लात मारी तो संतु जी उसको पकड़ने जा रही थी. हाँ. लेकिन जब हमको लात मारी तो हम एकदम अधमरा होकर संतु जी पर ही आकर गिर गए और हम दोनों लोग एक जगह ढेर हो गए और सपना भाग गई मैडम. ये पहले क्यों नहीं बताया मैडम? ये मैं वापस नहीं करूंगा. ये लात के बीच में बिल्लू की बलि क्यों? वाह शाबाश 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 चीते. नहीं तुम्हारा नाम आएगा पेपर में. ये तुम बहुत रोशन कर रहे हो हमारे थाने का नाम. तुम्हें पता है पेपर में आएगा कि एक नालायक पुलिस ऑफिसर को बेइज्जती करके थाने से बाहर निकाल दिया गया. मुंह काहे लटकाए खड़े हो अब? संतु किधर है? मैडम संतु जी के पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा था, वो घर पे है ना. ये कौन सा शारीरिक गठबंधन हो रखा है तुम्हारा? लात तुम खाते हो दर्द उसको होता है. दर्द तो हमको भी है मैडम, शर्म के मारे बता नहीं रहे थे हम. तुम टेम्पो बुलाओ, जल्दी बुलाओ टेम्पो और उसमें तुम सारे बैठ जाओ और रवाना हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से. तुम लोग चाहिए ही नहीं हमें केस में, हम अकेले ही सॉल्व कर लेंगे इस केस को. एक लड़की शादी के 3 दिन पहले फरार हो गई है, उसकी गंभीरता को समझो. हमें पकड़ना है उसको घर वापस लाना है. वो पताल में भी होगी तो उसको खोज कर लाएंगे, समझ लो. तीन दिन का बोला लेकिन टेंशन हो रही है कि कैसे होगा. क्या बताएं संतु जी, क्या बताएं, हमारा तो बाजा बजा हुआ है, वो भी एकदम लाउड स्पीकर पे. गलती से भी करिश्मा मैडम को पता चल गया ना, उनको भनक भी लग गया ना कि उनके पीठ पीछे हम लोग कौन सा कांड किए हैं, तो नौकरी तो जाएगा बाद में संतु जी. पहले 2-4 दिन कैदी बना के जो हमारा हड्डी पसली तोड़ेंगे ना करिश्मा मैडम, हमको इतना डर लग रहा है ना संतु जी, हम क्या बताएं हम संतु जी. इतनी रात को किसने घंटी बजाई? दीदी दीदी हाँ? दीदी कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है? मैं दे, तुम घबराओ मत, तुम शांत रहो. चीती इस वक्त कौन आया होगा? अब कौन है? हम हैं संतु.
पुष्पा जी, चेती पुष्पा जी बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ क्यों आ गई? संतु जी, हमारा बात ने एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए, पुष्पा जी वहाँ पर पहुँच गई हैं, कैसे पहुँची हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस कांड के बारे में पुष्पा जी को पता ना चले, क्योंकि पुष्पा जी संभाल नहीं पाएंगी। पुष्पा जी सारा कुछ करिश्मा मैडम के सामने जाकर उल्टी कर देंगी, और एक बार बात करिश्मा मैडम को पता चल गया ना, फिर तो आप जानती हैं क्या होगा। प्लीज 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 संभालिएगा आप संतु जी। हैं हाँ ठीक है दीदी, अब मैं क्या करूँ? तुम चुप जाओ। पुष्पा जी, आप इस वक्त संतु ठीक तो हो? हाँ। अरे करिश्मा जी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाके देख के आओ, इसलिए देखने के लिए आ गए, ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो नहीं, एक्चुअली पेट दुख रहा ना मेरा। अभी तुम लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए बढ़िया सा काढ़ा बनाते, देखो काढ़ा पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। नहीं, जरूरत नहीं पुष्पा जी, आप चाहिए। कुछ बताना है हमें? तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? ऐसे तो होता नहीं है, कुछ बताना होता है तभी तुम्हारे पेट में दर्द होता है। नहीं पुष्पा जी, वो थोड़ी सी एसिडिटी। ये क्या है संतु? हाँ, अभी तक तो तुम्हारा मन कंप्यूटर और मशीनों में लगता था, अभी अचानक डॉक्टरी किताबें। हाँ पुष्पा जी, ये वो टाइम पास है। अब कहानी वाली किताब पढ़ के तो क्या ही फायदा। हाँ डॉक्टर वाली पढ़ूंगी, थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना, इसीलिए ये पढ़ रही थी मैं। सिंगाड़े अभी सो जाऊं मैं? हाँ तुम बैठ जाओ, हम काढ़ा बनाते हैं। नहीं, अरे बनाते हैं, देखो कैसे आराम मिलेगा तुम्हें। ज्वाइन काला नमक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है, खत्म हो गया होगा शायद। सुनो ना संतु, देखो संतु, हम मानते हैं कि ये शादी का बिल अगर पास हो गया तो 3 दिन से सीधा 3 साल हो जाएंगे, और इसी चक्कर में सपना के पिताजी उसकी शादी करा देना चाहते हैं, और तुमको उस बेचारी पे दया आ गई और तुम उसे अपने घर लेकर आई। थैंक यू पुष्पा जी मेरी इंटेंशंस को समझने के लिए। अगर तुम्हारे इंटेंशन गुड है तो फिर तुमने बैड एक्शन क्यों किया? मतलब करिश्मा जी से ये बात क्यों नहीं कह रही हो तुम? देखो हमें तो लग रहा है कि हमें करिश्मा जी से बात करनी चाहिए, कि वो हमारी बात समझ लेंगी। वाह पुष्पा जी, मतलब ये बात आप कह रही हैं, द ग्रेट इंडियन सास। अरे अभी तो आप बोली थी ना कि आप संतु जी का गुड इंटेंशन समझ गई हैं। अगर गलती से भी करिश्मा मैडम को हम लोग का ये जज्बात भरा काम पसंद नहीं आया तो मरोगे रे तंदूरी भालू, चुप ना। नहीं आया तो जानती है क्या होगा पुष्पा जी? एक तो करिश्मा मैडम पहले से वादा करके आई है उसके बाबूजी को कि सपना को ढूंढ कर लाएंगी। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम का वादा दुनिया की बेस्ट क्वालिटी सीमेंट से भी ज्यादा पक्का है, समझ रही हैं आप? नहीं नहीं नहीं, मगर हमारा दिल अभी भी कह रहा है कि हमें उन्हें एक बार ये बात बता देनी चाहिए। हाँ हाँ, एक ही बार बोल पाएंगे पुष्पा जी, कहे कि उसके बाद से तो बोलने लायक बचेंगे नहीं। सही बात। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या हुआ, बहुत परेशान नजर आ रही हैं आप। कल रात को अच्छे से नींद नहीं आई हमें, इसलिए हमारा दिमाग जो है ना वो टोपा गया है अभी। टोपा गए? का होगा गया मैडम? सपना के वजह से। सेम प्रॉब्लम मैडम, बचपन में मुझे भी सपना के चक्कर में नींद नहीं आती थी। अमा तुम सरपंच हो टोपा के, समझ रहे हो हमारी बात को? हम वो सपना का बात नहीं कर रहे हैं। हम उस भागी हुई लड़की सपना का बात कर रहे हैं। सोने का कोशिश कर रहे थे पर नहीं सो पाए। सपना से ज्यादा उसका वो उसका पिताश्री, वो दुखी राम, सुखी राम बार बार वो हमको ना अर्थी पे लेटे हुए दिख रहे थे सामने। कैसे भी करके हमें केस सॉल्व करना होगा, नहीं तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पुष्पा जी आप समझ रही हमारी बात को। हम क्या कहते हैं, क्यों ना हम सुखी राम जी से बात करें और ये शादी कुछ ही दिनों के लिए थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहें। नहीं मतलब हमें भी सपना को ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा, फिर ढूंढेंगे उसको आराम से, है ना? हमें जब राय नहीं मांग रहे तो हमें राय मत दीजिए आप, अपना दिमाग मत चलाइए आप। और वैसे भी हमने केस सॉल्व कर लिया है। मतलब कैसे? उन्हें मेरा मतलब है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। बधाई हो।
मिले पेन ड्राइव, ये भी चोरी करके रखा है, ये लीजिए। बच्चा पैदा होने से पहले डायपर खरीदने का मत सोचो संतू, ये वो पेन ड्राइव है जिसमें मिलन लॉज के आसपास का सारा सीसीटीवी फुटेज है, जिसे देख कर हमें पता चल जाएगा कि सपना कब कहाँ किसके साथ भागी थी। सीसीटीवी फुटेज से तो ये पता चल जाएगा कि सपना मेरे पास है। एक एक काम कीजिए, अब पेन ड्राइव मुझे दे दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ हाँ, उसे दो ना। नहीं नहीं संतोष जी, देखिए आपकी तबीयत नासाज है, आप आराम फरमाइए। अरे हम तो ठीक है ना, मेरा जी है ना, माय वुमन नंबर वन। नहीं तुम सही कह रहे हो बिल्ले, मीरा चुटकियों में काम कर देगी, तुम रहने दो संतू, बिल्ले चलो मीरा के पास। पुष्पा जी, क्या कर रहे हो यहाँ? हम यहाँ पे देखने आए थे कि मीरा मैडम ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ हम भी वही देखने ही आए थे। मैं रोज देखता हूँ, मीरा जी मेरी है, आई मीन मेरी प्रेजेंस में ये कहीं गलती तो नहीं कर रही है। यू गो टू योर सीट, गो बैक, अदरवाइज मैं करिश्मा मैडम को बोल के तुमको सस्पेंड कर दूंगा। जा रहे जा रहे। हो गया ना आपका? मरवा दिया नहीं बिलौटा संतू जी, और गलती से भी मीरा मैडम को पता चल गया ना कि वो फुटेज में सपना के साथ आप थी, तो बाप रे कांड हो जाएगा। तुझे टेंशन नहीं हो रही क्या? तू भी तो था। संतू जी हमको हमारा फिक्र नहीं है संतू जी, हमको आपका सोच रहे हैं, आपके बारे में सोच सोच कर हमारा कलेजा फटा जा रहा है। अरे मगर मीरा मैडम को रोकेंगे कैसे, वो भी करिश्मा मैडम के ऑर्डर के बिना? वो तो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगी। एक आइडिया है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए ना तो वो तुरंत रुक के आ जाएंगे। इमरजेंसी? अरे हमें आ जाने का आ रहा है, इमरजेंसी, बुला उनको, बुला। पुष्पा जी मशीन है, वो एक सेकंड में स्कैन करके बता देंगे कि आप नॉटिंग की कर रही हैं। लाइट को क्या हुआ? हाँ चीता क्या कर रहे हो? अरे तुम बचाओ वरना तुम भी चिपक जाओगी। इतना क्या सीरियसली ले गया, बेवकूफ है क्या? तो मैं हूं ना, मुझे बताओ ये क्या है, इसको ठंड लग रही है, झप्पी पा ले निठल नहीं। बिल्ले तुझे करंट लगा है तो बोला क्यों नहीं? करंट में हंस रहा है निठल्ला। मीरा मैडम जल्दी आइए, इमरजेंसी यहाँ पे। मेरे जी को बुला, ऐश होने से पहले बच्चा लग मीरा जी। मीरा जी देख क्या रहे हो, स्कैन मत करो बच्चा, नहीं तो सिर्फ ऐश स्कैन में आएगी। मीरा जी बच्चा, मीरा जी तो करंट अच्छा है। संदीप जी ऐसे कैसे कैंसिल कर देंगे, हमें थोड़ा वक्त तो दीजिए। लड़के के पिता है हम, कुछ भी कर सकते हैं। अरे इंजीनियर है हमारा बेटा, कोई हैरा गैरा नहीं है, समझे? और आप लोगों की बेटी गायब है तो कैंसिल ना करें तो क्या करें? भगवान के लिए ऐसा मत कीजिए संदीप जी, आ जाएगी वो। हाँ। काहे का समझी, हाँ जबरदस्ती गले पड़े जा रहे, खुद की बेटी तो संभलते नहीं और लगे शादी का जोड़ा पहनाने। देखिए आप लोग शांत हो जाइए, इतना पारा गर्म करने का जरूरत नहीं है। हम है ना, हम पे भरोसा रखिए थोड़ा, आपकी बेटी शाम तक वापस आ जाएगी, आप टेंशन मत लीजिए, थोड़ा बस शांत रहिए। ठीक है मैडम, अगर आप कहती है ना तो शाम तक रुक जाते हैं, अगर शाम तक सपना वापस नहीं आई तो तत्काल रूप में इस शादी को कैंसिल करेंगे हम। प्रणाम, चलते हैं। मैडम आपको यकीन तो है हमारी बेटी सपना शाम तक मिल जाएगी? करिश्मा सिंह नाम है हमारा।
तुम्हारा बात ना पत्थर का लकीर होता है। एक मिनट। हेलो। जयहिंद मैडम। जयहिंद। मेरा कुछ सुराग मिला वो सीसीटीवी फुटेज से? नो मैच फाउंड। मका नो मैच फाउंड। अच्छे से देखो, उसमें तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तुमने गलती किया है। इंसान गलती करते हैं, मशीन सारे काम प्रॉपर्ली करती हैं। ये सपना की बच्ची को बाहर कैसे निकाला जाए? जय हिंद। जय हिंद मैडम। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। आते एकदम टीवी वगैरह। सपना मिल गई क्या? मिलेगी मिलेगी पुष्पा जी, मिलेगी। कोई सबूत या कोई क्लू मिला मैडम? जरूरत ही नहीं है, वो खुद आएगी, दौड़ के आएगी। देखो मैडम, ये देखो न्यूज़ देखो। आज फैजाबाद रोड में गाड़ी की एक भयानक टक्कर से गाड़ी में बैठे दोनों पैसेंजर की मौके वारदात पे मौत हो गई। गाड़ी का नंबर था UP 05AK 3618। अरे चुटकुला थोड़ी ना सुनाया है टीवी पे जो आप हंस रही हैं। सड़क हादसे पे दो लोगों की जान जा चुकी है और आप मुस्कुरा रही है, मतलब जज्बत है कि नहीं आपके अंदर? पुष्पा जी, आप हैं टोपा ऑफ द ईयर ना, मतलब इतना दुखी काय हो रही हैं आप? हाँ, ये जो आप देख रही हैं ना न्यूज़, ये सच्ची नहीं है, ये झूठा है, ये हमने फैलाया है। और जिस गाड़ी का ये लोग बात कर रहे हैं, ये सुखीराम का गाड़ी है। हाँ, और जैसे ये बात पता चलेगी ना सपना को, ऐसे दौड़ के आएगी हमारे पास। और जैसे ये बात पता चलेगी ना सपना को, ऐसे दौड़ के आएगी हमारे पास। क्या हुआ? ना हमारा आइडिया अच्छा नहीं लगा आप लोगों को? नहीं नहीं, मगर वो लड़की के जज्बातों के साथ खिलवाड़ हो गया ना, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अच्छा, तो बच्ची के बाप के जज्बात का क्या, जिसका वो फुटबॉल बना के लतिया रही है? हाँ, शादी पक्का हो गई, लड़का पसंद कर लिया, शादी की बात सबको पता चल गई, सब घर वाले आने वाले हैं, शादी के 3 दिन पहले फरार हो जाती है, यहाँ जज्बात नहीं आता है? ऐसा नहीं है मैडम, वो इसीलिए भागी थी क्योंकि शादी से ज्यादा प्यारा उसके लिए उसका करियर है मैडम। उसने शादी के लिए ना नहीं बोला, उसने बस अपने करियर को हाँ बोला है। एक मिनट एक मिनट, ये कौन से किताब का चैप्टर खोल के बैठ गए आप लोग, हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैडम, संतु जी ना हमेशा की तरह बिल्कुल सही बोल रही है। जो 21 साल वाला कानून है ना, इस कानून से उस लड़की का बाऊजी डर कर उसके शादी का जो टाइम 3 महीना से घटाकर 3 दिन कर दिया। कहें कि उनको इस बात का बहुत फिक्र था ना कि 3 साल के इंतजार के चक्कर में ना अच्छा लड़का हाथ से निकल जाएगा। मैडम हाँ, ये दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, लड़की के लिए उसकी शादी से ज्यादा उसका करियर ज्यादा महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने। अम्मा क्या दिमाग खराब हो गया है सबका, इतना बड़ा कांड हो गया और किसी ने हमको बताया तक नहीं। बताने वाले थे मैडम, लेकिन आपको पता चलता तो आप सपना को घर छोड़ देती, और इसमें किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है मैडम, ये पूरा पूरा मेरा प्लान था और मैं होटल के बाद डायरेक्ट उसको घर अपने लेकर गई थी। मैं नहीं संतु जी, हम दोनों लेकर गए थे, हम भी बोले थे संतु जी से कि घर पर लेकर चलते हैं सपना। अम्मा तुमको पता है कितना बड़ा कांड हो गया ये? हाँ, और कोई हमको बताएगा नहीं इसके बारे में? हाँ मैडम, आपको ये केस जल्दी से रफा दफा करना था, खत्म करना था, जज्बात वाली बात आपको पसंद नहीं आती इसीलिए। अजीब वाहियात घटिया बहाने दे रहे हैं आप लोग हमें। हाँ ठीक है, हमको जज्बात समझ में नहीं आता, हम मानते हैं, लेकिन हम लॉजिक तो समझते हैं। हाँ देख लीजिए देख लीजिए। क्या देख लीजिए, क्या देख लीजिए पुष्पा जी? खुद को शीशे में देख लीजिए, इतना गुस्सा करती हैं आप, फिर कैसे करें हम आप पे अंधविश्वास? निपटेंगे आप सबसे तो बाद में निपटेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें एक खबर उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। सुनो, तुम्हारे घर में टीवी है? हाँ। हाँ, तो उसको फोन करके बोलो कि कैसे भी करके ना बस टीवी नहीं खोले, टीवी को देखे ही ना, बस जल्दी करो। खबर पहुंचे से पहले आप लोग पहुंचो, जल्दी जाओ। कहाँ अंदर?
भगवान बस सद्बुद्धि दे सपना को कि वो टीवी ना चालू करे, पढ़ाई पे ध्यान दे। हाँ। यूपी 05-1A-3618 फैजाबाद रोड पे। हेलो। थैंक यू मैडम जी, आपके तूफानी आइडिया ने हमारी जिंदगी में उठ रहे सारे तूफानों को शांत कर दिया। हमारी बेटी सपना हमें मिल गई है जी। हमें माफ कर देना बेटी, बेटी प्रेम के कारण हमें यह कदम उठाना पड़ा था। हेलो। बहुत बहुत थैंक यू मैडम जी, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 दिन बाद मेरा एग्जाम है, मेरा अपने पैरों पे खड़े होने का सपना अब सिर्फ सपना ही रह जाएगा। हमारी जिंदगी शुरू होने से पहले ही आपने उसे खत्म कर दिया है। नहीं सपना, तुम बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो। हाँ, हमसे गलती हो गया, हम माफी मांगते हैं उसके लिए, लेकिन जो भी ये मुसीबत तुम्हारी जिंदगी में आई है ना, पूरी दुनिया की मैया की सासू मैया इस मुसीबत को ना मुंह तोड़ जवाब देंगे हम। तुम समझ रहे हो हमारी बात को? तुम एग्जाम दोगी और जिसने तुम्हें एग्जाम देने से रोका ना, हम बता रहे हैं तुमको, हम उसकी टांगे तोड़ देंगे। हमारा नाम ना करिश्मा सिंह है, जितना पक्का हमारा जुबान है ना, उससे पक्का हमारा इरादा है।